रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि आपने जो ग्वार गम और ग्वार सीड के लास्ट टाइम हमको टारगेट्स दिए थे, आपके टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आ गए हैं। देख रहे हैं ग्वार गम का नवंबर वायदा 12,495 पर कारोबार कर रहा है, 4% का ऊपरी सर्किट है, और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6,690 पर है। ग्वार सीड के भी अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बनेगा या फिर यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी? देखिए, ग्वार की बात करें तो क्वार्टरली ब्रेकआउट पे है ये कमोडिटी, इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 6794 का। अगर उसको ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि अपसाइड में 6900 के लेवल देखने को मिलेंगे, और अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो इन्हीं लेवल से सेलिंग देखने को मिलेगी। वहीं ग्वार गम की बात करें तो गम में भी अभी प्राइसेस जो है ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे हैं जी। चांसेस हैं कि यहाँ से एक शॉर्ट करेक्शन के बाद प्राइसेस अगेन अपसाइड में मूव करेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कॉशियसली ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो इतने भी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि प्राइसेस इतने हायर लेवल पे सस्टेन करें, और ये सेम उसी तरीके का मूव हमें देखने को मिलेगा अगर थोड़ा भी फंडामेंटल में कुछ भी टर्न अराउंड होता है। तो जिस तरीके से हमें सोयाबीन में सेलिंग देखने को मिली थी, उसी तरीके से इस कमोडिटी में भी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इन हायर लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की एडवाइस नहीं की जाएगी, लेकिन जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, और हायर साइड में 12,500 से 12,700 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने की सलाह है जी।